स्किन वाइटनिंग क्रीम बना रहे थे उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है एंड दाग धब्बे को दूर करता है, हमारे स्किन को वाइटन लाइटन एंड ब्राइटन करता है। लेकिन सर दूसरा इंग्रेडिएंट वो है बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन के दाग धब्बे को दूर करता है एंड हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच बादाम का तेल। और तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है, हमारे स्किन को दिन भर हाइड्रेट रखता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ ग्लिसरीन। और उसके बाद कोई भी एसेंशियल ऑयल ले लीजिएगा। एसेंशियल ऑयल मैं लेवेंडर का ले रही हूँ 2 से 3 बूंद। ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा सा ग्लोइंग बनाता है, हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है एंड दाग धब्बे को दूर करता है और क्रीम को खुशबू देती है जिससे क्रीम बहुत ही फ्रेश रहती है। तो इस तरह से हम सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको फेंटेंगे, फेंट कर अच्छे से इसको फ्लफी करेंगे जिससे कि एक अच्छा सा क्रीम टेक्चर में आ जाए और ये क्रीम आपके स्किन को वाइटन लाइटन एंड ब्राइटन करेगी, आपके स्किन से दाग धब्बे को दूर करेगी, हाइड्रेट रखेगी, मॉइस्चराइज रखेगी एंड सन टैन से भी बचाएगी, सन के ग्रे से बचाएगी और आपके स्किन को बहुत ही अच्छा सा ग्लोइंग बनाएगी, नरिशमेंट देगी, आपके स्किन को बहुत सारा पोषण मिलेगा। तो ये क्रीम बनकर रेडी हो गया है, अब मैं इसे आपको बताती हूँ लगाकर। फ्रेंड्स तो इस तरह से आप क्रीम बनाकर अपने फेस पे मॉइस्चराइजर की तरह इस तरह से अप्लाई कीजिए और मसाज कीजिए। 2 मिनट के बाद दिखेगा आपके स्किन पे जो ग्लो आएगा, अब देख के हैरान हो जाओगे, बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है और स्किन को वाइटन लाइटन एंड ब्राइटन बनाता है। तो इस क्रीम को आप बनाकर ट्राई करें। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।